हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तबीयत मिजाज कैसे हैं आप लोगों के? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ सेहत ईमान की बेहतरीन हालत में। अच्छा, माशाल्लाह से रिजल्ट्स आप लोगों के आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो इंडिविजुअली बहुत सारा स्टूडेंट आप तंग करना शुरू कर दिया ना, इसको आप तंग ही कहेंगे कि सर आप फलां का करवाते हैं, आपकी फेवरेटिज्म करते हैं, फलां का करवाते हैं और फलां का नहीं करवाते हैं। तो काइंडली हमारे भी करवाएं, ये है वो है। तो एक तो ये, इसमें इंशाल्लाह ताला कल से कोशिश करेंगे कि मैं हर डिपार्टमेंट के, हर सेमेस्टर के कुछ ग्रुप बना दूं ताकि आपके पेपर करवाए जा सके। एक तो आपको ये पेपर मिल जाएगी जो अच्छी नहीं हुई आप लोगों के लिए। दूसरी, ये रीटेक को आप नहीं समझ पा रहे बच्चे। देखें, रीटेक का मतलब क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता। रीटेक एग्जाम होंगे, उसका पता ही नहीं है कि रीटेक एग्जाम है क्या। मैंने तो एक वीडियो भी अपलोड की है, नहीं फिर भी मेरा ख्याल है मैं नहीं क्लियर कर पाया या आप नहीं समझ पाए। बच्चे, रीटेक का मतलब, बच्चे कहते हैं ना मेरा पेपर रह गया तो कोई नहीं रीटेक में दे लूंगा। अब जिन्होंने रीटेक नहीं दी, उन्होंने सुना हुआ है कि रीटेक में दिया जा सकता है। तो अगर तो आपका टाइम पूरा हो गया था, पेपर आपका क्लोज हो गया, तो आप रीटेक नहीं दे सकते। रीटेक का मतलब पता क्या है कि आप पेपर दे रहे थे, पेपर के एंडिंग टाइम आपका बाकी था और पेपर किसी वजह से बंद हो गया। चूंकि आपका टाइम बाकी था तो आपको एक मौका मिलेगा कि अपना टाइम कंप्लीट कर लें। अब टाइम टाइम स्लॉट वाला नहीं, 10 से लेकर 11:30 टाइम जो पेपर के ऊपर चल रहा था 70 मिनट, अगर तो आपने पेपर 70 मिनट चलाया है तो कोई रीटेक नहीं, बेशक आपने 10 MCQ। दूसरा, आपने टाइम रोका है, टाइम नहीं रोका, लेकिन पेपर में आपका टाइम पड़ा हुआ है जो 70 मिनट है, उसके रिमेनिंग 36 आ रहे हैं, रिमेनिंग 25 आ रहे हैं। तो भाई आप यहाँ से क्लियर हो कि कुछ भी हो जाए आपको रीटेक मिल जाएगी। अब मेरा ख्याल है कि आपको समझ लगी होगी कि रीटेक कौन से लोग दे सकते हैं। अगर अभी भी समझ नहीं लगी तो फिर आप अल्लाह का हुक्म फिरते, मैं यही कहूँ। इसके साथ साथ वो स्टूडेंट्स जिनका पेपर 2% आ रही है अटैम्प्ट, 70% आ रही है, 102% आ रही है, वो बड़ा परेशान है भाई यार ये क्या 102%, कोई मसला तो नहीं बन जाएगा। तो ये आपको मैं बड़ी दफ़ा गाइड कर चुका हूँ कि कोई मसला नहीं बनेगा, बिल्कुल रिलैक्स रहें। जब आपका लास्ट पेपर होगा ना, आपने क्या करना है मैं लाजमी आपको बताऊंगा, और मैं एक ट्यूटोरियल वीडियो भेजूंगा कि आपने ये चीज़ें चेक कर लेनी है। अगर ये चीज़ें कंप्लीट हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बाकी बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं, कॉलेज वालों को भी चाहिए, वो भी सुन रहे हैं मोस्टली, के बच्चों को यार खुदा रहा साथ साथ पेपर रिजल्ट दे दें। कितने लोगों को मैं रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता, नहीं ना कर सकता, पॉसिबल नहीं है, इतने स्टूडेंट्स। तो भाई आप लोग कन्वर्जन ये वो चक्रों में ना पढ़ें, जो आपके पोर्टल पे आ रहा है उसको सेंड कर दें बच्चों को, ताकि उनका ये खत्म हो जाए टेंशन कि मेरा पेपर सबमिट हुआ था नहीं हुआ था, इतने परसेंट का क्या मतलब है, उतने परसेंट का क्या मतलब है, ताकि बच्चे क्लियर हेडेड हो जाएं कि सर हमारी कोई टेंशन नहीं है, हमारा पेपर क्लियर है। बाकी जिसका 1 और 2% हुआ है, जिसी यूनिवर्सिटी की जिसी यूनिवर्सिटी जाने, इस पर क्या कह सकते हैं कि 100% में से 102% कैसे हो गए, बहुत सारे बच्चों का तो मसले वाली बात नहीं है। उसका रिजल्ट आपके पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा, काले के पोर्टल, वो काले वालों से ले लें, पर काले वाले भी साथ साथ दें बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो जो है मैं डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूंगा, ग्रेडिंग CGPA कितने पे बनेगी, कितने वाला पास है, डी ग्रेड कितने पे है, एफ ग्रेड कितने पे है, सी ग्रेड कितने पे है, बी ग्रेड कितने पे है, ए ग्रेड कितने पे है। तो बच्चे सिंपली सी बात है, इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे, प्रॉमिस नहीं है कि आपने कह दिया था तो हो जाएगा। मैं 100% कोशिश करूंगा कि हम कुछ छोटे छोटे मिनी ग्रुप बना लें, जिसमें हर सेमेस्टर हर डिपार्टमेंट का कुछ ना कुछ हम उसको फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा सकता है कि आप लोगों को हर चीज़ को प्रोवाइड की हुई है, तरीके भी बताए हुए हैं, फिर भी आप देखते हैं कि नहीं, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दुआ करे कोई, कि कोई आएगा और मेरा पेपर आके कर देगा, तो आपने अपना पेपर खुद ही करना है, ठीक हो गया। तो ये थी जी 2-4 बातें आपसे जो मैं करना चाह रहा था। क्वेरीज काफ़ी सारी आपकी जमा हुई पड़ी हैं, इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँगा कि आप लोगों ने किस तरीके से
अपने ग्रेड्स और अपनी CGPA वगैरह कैलकुलेट करनी है, और उसके साथ साथ फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी जितनी भी अनसॉल्व क्वेरीज हैं, आपके जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं, मैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। इसके साथ साथ ये बार बार जो क्वेरी पूछी जा रही है, कोई ऐसा तरीका है कि हम पैसे एक्स्ट्रा दे के, एडिशनल पैसे दे के हम अपना वो गेन कर सकें, क्या कहते हैं उसको, रिजल्ट कार्ड गेन कर सकें या DMC गेन कर सकें, तो बच्चे कभी ऐसा हुआ है? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास कि आपने मैट्रिक के या FSC के एग्ज़ाम दिए हैं और अभी रिज़ल्ट नहीं आया, आप कहते हैं मुझसे 5,000 रुपया ले लो, मेरा रिज़ल्ट पहले जारी कर लो। तो DMC समथिंग लाइक रिजल्ट, क्लियर हो गया? तो DMC आपको मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि आपको DMC नहीं मिलेगी, बिल्कुल आपको DMC मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। बाकी MSc के हवाले से MSc बैन हो गई है, कोई यूनिवर्सिटी MSc नहीं करवा सकती जब तक HEC दोबारा अपने फैसले को रिवाइज ना कर ले। HEC ने अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं लिया, तो ADS के जो स्टूडेंट्स हैं, BSc के जो स्टूडेंट्स हैं, वो किसी भी कॉलेज में अपने रजिस्ट्रेशन की मद में पैसे ना दें, क्योंकि कॉलेज वालों ने ये एडवर्टाइजमेंट वगैरह शुरू की हुई है, तो फिर वो बच्चों के पैसे फंस जाएंगे। क्योंकि कल को अगर आपको डिग्री मिल भी जाती है तो HEC ने तो अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है कि हम उसको नहीं करके देंगे आपको, ना वो जो HEC ने करना होता है, वेरीफाई करना होता है, या कह लें कि जो HEC ने उसको टेस्टिफाई करना होता है, टेस्ट नहीं वो करके देंगे। तो यहाँ पे आप क्लियर हो गए। इसके साथ साथ ADS और ADP के हवाले से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं ये क्या है, और BS ऑनर्स जो उन्होंने किया है वो फिफ्थ सेमेस्टर वाली पॉलिसी क्या है, वो पॉलिसीज भी डेफिनेटली आपके साथ शेयर करने वाली हैं। इसके साथ साथ MPhil के एडमिशन को लेके फॉल और स्प्रिंग का बच्चों को समझाना है कि क्या आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली बच्चे हैं जो इन्होंने अप्लाई करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने ऐड देने शुरू कर दिए हैं, तो वो एक्सपीरियंस के लिए तो ठीक है, बाकी वो आपके पेरेंट्स का जो 2,500-3,000 रुपया है और जो आप ट्रैवल करोगे आने जाने का, ये लाहा हासिल है, इसका आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला। मतलब मैं आपको ये बात एलेबोरेट करना चाह रहा हूँ, क्लेरिफाई करना चाह रहा हूँ कि दिस इज़ जस्ट ओनली वेस्टेज ऑफ टाइम, दिस इज़ जस्ट ओनली वेस्टेज ऑफ मनी। हाँ, बट यू माइट गेन सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस दैट माइट बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू। इसके अलावा इसका कोई भी किसी भी किस्म का आपको फ़ायदा नहीं है। इसके साथ साथ जो आपकी फर्दर क्वेरी है वो फॉर्म एजुकेशन को लेके है, तो उसके हवाले से मैंने कुछ वीडियोज़ अपलोड की थी, फिर ये एग्ज़ाम्स आ गए जिसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ ऑनलाइन नहीं आ सका, तो इंशाल्लाह वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है, वो भी प्रॉमिस मेरा आप लोगों के साथ पेंडिंग है। तो अभी तक के लिए यही था, फर्दर दुआओं में याद रखिएगा, कोई क्वेरी है तो हमेशा कोशिश किया करें कि जो लेटेस्ट वीडियो मैंने अपलोड की होती है उसके कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें। अल्लाह ताला आप सबका हम मुनासर हो जी, दुआओं में याद रखिएगा, टेक केयर, जन्नत।